सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी ऑनलाइन हिंदी चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन इसी तरह की हेल्थ और ब्यूटी टिप्स रेगुलर बेसिस पर देखने के लिए। आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ सौंफ के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जिन्हें जानने के बाद आप इसे जरूर अपने डेली रूटीन में शामिल करेंगे, सिर्फ एक माउथ फ्रेशनर की तरह नहीं बल्कि एक मेडिसिन की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं सौंफ के कुछ जाने अनजाने फायदों से। लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कुछ खास क्वालिटी सौंफ की, जैसे कि ये एक बहुत अच्छा सोर्स होती है कई सारे मिनरल्स का, जैसे इसमें कॉपर, पोटेशियम, सिलेनियम, आयरन, जिंक, मैंगनी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ ही विटामिन सी बहुत ज़्यादा इसमें होता है। इसके अलावा इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और यही रीज़न है कि हम में से 90% लोग इसे एक बहुत अच्छे नेचुरल माउथ फ्रेशनर की तरह जानते हैं। अब अगर मैं बात करूँ सौंफ के फायदों की, तो सबसे पहले बात करते हैं वेट लॉस की। तो सौंफ अपनी डायुरेटिक प्रॉपर्टीज की वजह से वेट लॉस करने में बहुत अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही अगर सडन वेट लॉस आपकी बॉडी में होता है और उसकी वजह से आपकी बॉडी में वीकनेस आती है, तो उस वीकनेस को खत्म करने में भी सौंफ काफी इफेक्टिव होती है। आपके शरीर को मजबूत बनाती है, स्ट्रेंथ देती है, जिससे कि वेट लॉस के बाद होने वाले साइड इफेक्ट्स आपको कम महसूस होते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी के साथ सौंफ का यूज कर एक बहुत अच्छी रेमेडी शेयर की थी, जिससे कि आप बहुत तेजी से वेट लॉस कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, जिससे कि आप उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हमारे ब्लड प्रेशर को बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है, उसको रेगुलेट करती है। एक बहुत अच्छा सोर्स होती है पोटेशियम का, और जिसकी वजह से ये आपके हार्ट रेट को कंट्रोल करती है, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। एक स्टडी के मुताबिक वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, वो अगर रेगुलर बेसिस पर सौंफ चबाते हैं तो हमारी सलाइवा में नाइट्राइट कंटेंट बढ़ता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है। इसके साथ ही ये एक बहुत अच्छे नेचुरल डायूरेटिक की तरह भी काम करती है, जिससे कि वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग की प्रॉब्लम रहती है, हाथों पैरों में सूजन आ जाती है, वो लोग अगर इसका रेगुलर बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं या इसकी बनी हुई चाय बनाकर पीते हैं तो उनको इस समस्या से छुटकारा मिलता है। आपके शरीर में मौजूद हानिकारक टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। और अगर आपको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, जिसे UTI के नाम से भी जाना जाता है, तो उसको ठीक करने में भी ये बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें बहुत जल्दी जल्दी और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो उन लोगों के लिए फेनल सीड एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इसमें नेचुरली कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जैसे एंथियोल, जो कि एंटी स्पाज्मोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। और यही रीज़न है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स, पेट का फूलना, पेट का दर्द होना, इनडाइजेशन का होना, इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाती है। ये आपके पेट में गैस्ट्रिक एंजाइम्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, जिससे कि आपका डाइजेशन सिस्टम ठीक तरह से काम कर पाता है और इस सिस्टम से रिलेटेड कई सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही दूर हो जाती हैं। वो लोग जिनको बार बार सर्दी, जुखाम, राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है, वो लोग अगर रेगुलर बेसिस पर इसकी चाय बनाकर पीते हैं तो ब्रोंकाइटिस, कंजेशन, कफ का जम जाना, इन सारी चीज़ों से छुटकारा मिलता है और आपका रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर होता है। एक बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये उन लोगों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होती है जो बहुत ज़्यादा एक्नेस की प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। स्किन डल दिखती है, किसी तरह का ग्लो नहीं दिखता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर कालापन आपके चेहरे पर दिखने लगा है, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको हो गई है, तो उस केस में भी ये हॉर्मोन्स को तो बैलेंस करती ही है, साथ में फ्री रेडिकल डैमेज को कम कर आपके चेहरे पर चमक लाती है और एक्ने जैसी प्रॉब्लम्स से आपको छुटकारा दिलाती है। वो लोग जो अपना बहुत सारा समय लैपटॉप कंप्यूटर के सामने गुजारते हैं या बहुत ज़्यादा मोबाइल का यूज़ करते हैं, तो फेरल सीड्स को आपको ज़रूर रेगुलर बेसिस पर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा होता है और जिस वजह से ये आपकी आईसाइट के लिए बहुत अच्छा होता है, आपकी नज़र को तेज करती है। सौंफ हाई अमाउंट ऑफ पोटेशियम के कारण मेमोरी या याददाश्त को बढ़ाने में भी बहुत इफ़ेक्टिव मानी जाती है।
अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आप सभी के साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मेमोरी पावर को बढ़ाने के कई सारे तरीके आपको बताए थे। उनमें सौंफ का यूज़ कर मैंने एक रेमेडी आप सभी के साथ शेयर की थी जिसे आप डेली रूटीन में अपनी याददाश्त को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो बच्चों के लिए खासतौर पर बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी जिससे कि आप उसे अब देख सकते हैं। तो ये थे कुछ खास सौंफ के फायदे, तो जरूर इसको अपने डेली रूटीन में शामिल कीजिए। अब इसको लेना कैसे है, इसके लिए अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले एक टी शेयर की थी जिसमें मैंने सौंफ का यूज़ किया था। आप उस टी को अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं। और अगर इतनी सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं हैं तो सिर्फ और सिर्फ लगभग 250 ml वाटर में 8 से 10 ग्राम सौंफ को 10 से 15 मिनट के लिए उबाल लें और फिर इसे छान कर गर्मा गर्म चाय की तरह पी लें। ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं और ये आपके लिए उन सभी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाएगी जो अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताई हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे बहुत सारे लाइक्स दीजिए और इस रेमेडी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इसका फ़ायदा ले सके। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें जिससे कि जब भी मैं कोई हेल्थ या ब्यूटी रेमेडी आप सभी के साथ शेयर करूं, आप उसे देख पाएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई हेल्थ या ब्यूटी टिप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।